नमस्कार दोस्तों, अमर मोटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस संडे को हम आपके सामने एक पर्सनल इको जो कि सीएनजी में रहने वाली है, आज आपके सामने वही इको लेके आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी का रहने वाला है दोस्तों, वो HR10 यानी कि सोनी हरियाणा रजिस्ट्रेशन में रहने वाली है। सो दोस्तों, गाड़ी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल अमर मोटर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो दोस्तों, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम जो गाड़ी अब आपके सामने लेके आएंगे वो विदाउट एनी डीलर की गाड़ियाँ हैं, ये पर्सनल ही इको गाड़ी है। गाड़ी की शुरुआत करते हैं, जैसे कि गाड़ी आप देख पा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल हेडलैम्प पे गाड़ी है, फोग लैम्प हमें देखने को नहीं मिलते हैं, वाइट कलर के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये गाड़ी जो रहने वाली है दोस्तों, इको ग्रीन सीएनजी में रहने वाली है। आप जैसे ही देख पा रहे होंगे सीएनजी का स्टिकर हमें देखने को मिल जाता है, और गाड़ी जो है ये 7 सीटर में अवेलेबल है दोस्तों। 2014 मॉडल जो कि अराउंड दिसंबर का है, लास्ट 2014 है। इंटीरियर की बात करते हैं, मैं एक बार इंटीरियर दिखा देता हूं। जो कंडीशन है गाड़ी की दोस्तों, बिल्कुल ही मिंट कंडीशन में और बिल्कुल भी साफ सुथरी कंडीशन की गाड़ी है। अगर बात करें सीटर, 7 सीटर तो है ही अवेलेबल। सीएनजी का हमें इग्निशन यहीं पे देखने को मिल जाता है, और जो इंटीरियर की बात करते हैं, अगर मैं सबसे पहले आपको रनिंग दिखाऊं दोस्तों, अराउंड 36,000 ही इसकी अभी तक चली है ये। और दोस्तों, जैसे कि कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, एसी का ब्लोर हमें देखने को मिल जाता है, बट इसमें एसी अवेलेबल नहीं है, ओनली ये ब्लोर अवेलेबल है दोस्तों गाड़ी में। और जो कंडीशन है अभी बिल्कुल ही साफ है। और जो दोस्तों, हमने जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी, हमने सबसे पहले देखा था वो इसके यहाँ से जो चेक करते हैं कि एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं है, अभी तक ये कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है। आप इसे किसी भी कंपनी में, मारुति कंपनी में चेक करा सकते हैं। एक बार देखिएगा, जो सीटिंग कैपेसिटी है 7 सीटर है, और बिल्कुल ही साफ गाड़ी। एक बार मैं डिक्की स्पेस भी आपको दिखाता हूँ, वैसे डिक्की में इसमें स्पेस अवेलेबल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि डिग्गी में हमारा सिलेंडर आया हुआ है। वही 14 kg का सिंगल सिलेंडर हमें गाड़ी में देखने को मिल जाता है। सेफ्टी वाइज इस इको में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल दी गई है। अभी दोस्तों ये जो कि है फैन लेके आए हैं, डोर वाइजर वगैरह है अभी इस गाड़ी में, हम अपने पास से पर्सनली इंस्टॉल करवा रहे हैं ताकि गाड़ी की जो लुक है वो और अच्छी रहे। अगर दोस्तों बात करते हैं टायर वगैरह के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार आपको चारों ही टायर दिखाता हूँ। 60-70% टायर अभी इसके रनिंग कंडीशन के बचे हुए हैं। वही 14 इंच का ड्रम व्हील्स में अवेलेबल है, और ब्रेकिंग सिस्टम है जो आगे वाले और पीछे वाले, जैसे आगे वाले रहने वाले हैं डिस्क ब्रेक में, और पीछे के रहने वाले हैं ड्रम ब्रेक में ब्रेकिंग। टायर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो जिस भाई की ये गाड़ी है वो स्कूल में ही टीचर है, उन्होंने ही बिल्कुल चारों ही टायर अभी अराउंड 6-7 मंथ पहले ही इंस्टॉल कराए हैं। अगर दोस्तों हम बात करें फ्यूल
फीलिंग की, जैसे कि आपको पता ही होगा इको में हम जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हम यहाँ से अपना इंस्टॉल करा सकते हैं, यहीं से डलवा सकते हैं। बट जैसे कि कुछ इकोस होती हैं उनमें सीएनजी का साइड में दिया होता है, बट दोस्तों ये जो सीएनजी है आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल हुई है। सो इस गाड़ी में हमें अगर सीएनजी रिफिल करवानी है तो सीएनजी के लिए दोस्तों हमें जो बोनट है या हुड बोलते हैं, हुड को ओपन करना होगा और वहीं से हम इसमें सीएनजी रिफिल करा सकते हैं। क्योंकि जो सीएनजी है इको ग्रीन सीएनजी है, बट आफ्टर मार्केट ही आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो कंडीशन है, जैसे रेडिएटर की अगर मैं बात करता हूँ या फिर लाइनिंग की बात करता हूँ, बिल्कुल साफ कंडीशन में अवेलेबल है। क्योंकि जो ऑयल है, ब्रेक ऑयल्स हो गया, सब बिल्कुल कंडीशन वाइज बिल्कुल क्लियर मेरे को शो हो रही है अभी गाड़ी। सो एक जो न्यू फीचर है दोस्तों इस गाड़ी में, इको में कुछ क्या था कि अभी जो न्यू 2023 की इको है उनमें भी ये फीचर है, बट इसमें क्या है अगर आप देख पा रहे होंगे, चाइल्ड लॉक हमें इंस्टॉल करके दिया गया है बोथ विंडो में, बैक साइड में। और सेफ्टी वाइज दोस्तों इसमें क्या है, हमें एयर बैग भी अवेलेबल है इस इको में, ड्राइवर साइड वन एयर बैग अवेलेबल है। अगर दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के रिगार्डिंग, सो मैं एक बार फिर क्लियर करता हूँ, 2014 मॉडल सीएनजी ऑन पेपर गाड़ी रहने वाली है जो कि अभी हमारे पास आई है। सो उन्होंने सेल लेटर पे ही दी है, सेकंड ओनर है, सेकंड ओनर रहने वाली है। और जो प्राइसिंग है, आप इस गाड़ी को केवल 2,90,000 रुपये में अपना बना सकते हो। अगर फाइनेंस कराना है, क्योंकि ये पर्सनल जो रहने वाली है, अगर आपके पास कोई फाइनेंसर है तो आप 90,000 रुपये दे के गाड़ी को अपने पास ले जा सकते हैं। सो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा हमारा जो प्रॉमिस था, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, शेयर इस वीडियो को इतना करें कि भाई जिसको भी इको गाड़ी की जरूरत है वो अपनी चॉइस पूरी कर सकता है। 7 सीटर जो है इको रहने वाली है। सो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।